सादा से जो रखेंगे तो फौरन साथ नीचे आइस के पेन आ गए, तो बहुत ज़्यादा बहुत डायरेक्शन जो है ना वो भी यहाँ लूज हो जाती है, लेफ्ट पे राइट पे साथ पे, क्योंकि ये बिल्कुल कनेक्टिंग एरिया है आइस का। बस जैसे रूटा में होगा तो रूटा आइस की कमजोरी की वजह से सर दर्द होगा तभी रूटा होगी, आइस में सर दर्द होगा तभी रूटा, तक्की आ रही है यहाँ पे, तक्की होती है रूटा न्यू बॉडी ईली का काम कर रहे थके हो उसको हम रूटा देंगे तो आपका वो आइस भी इम्प्रूव कर जाएगी और आइस का दर्द। इसी तरह जेंसी में आंखों में कौन पा रहा तो मुर्गी है और जेंसी में आंखों के अपने मूव नहीं कर रहा है, उसके मूव नहीं कर पा रहे हैं, अगर मैं कहता हूँ कि यूं ही ना करें तो बड़ा यूं ही है नेचर में आ जाए ये आंखों के। फिर राइट लेफ्ट हैं तो वही बेलाडोना सेमिलेरिया नेक्सस पर जो साथ ही आ रहे हैं, फिर आइस के इन्फेक्शन की वजह से साथ आते हैं, इससे कोई वायरल आ गया तो वायरल भी हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है सल्फर और यूफेज या बेलाडोना। तो एक और दवाई इन्फेक्शन में बहुत पुराने से पुराना इन्फेक्शन होगा, पुराने से पुराना इन्फेक्शन होगा अर्जेंटन में कुकरे, जिसमें कुकरे पैर अक्सर होते हैं गाँव में कुकरे पैर कुकरे बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो जाती है इन्फेक्शन अर्जेंटन में। हमारा एक और दोस्त कहता नहीं यूज़ करते उस्मान की बड़ा इसका यूज़ करता है उस्मान मेरी अर्जेंटन व्यक्ति, वो कहते हैं मैं तो फेसिया से यूज़ ही नहीं करता है अर्जेंटन, लेकिन फर्म जो फेसिया की अपनी फेसिया होती है और अर्जेंटन व्यक्ति कम बेस्ट है आइस के और यहाँ पे आइस जो है वो आपकी और आ जाते हैं आपकी लकड़ी में गर्द इसकी ब्लॉक हो जाती है उसकी वजह से भी आइस में किया जाता है। जो आंसुओं की जो नाली है ये भी बंद हो जाती है उसकी वजह से भी आंखों में दर्द होता है, उसकी भी फिर आप मेट्रोमेयर का इस्तेमाल है आपके पास पर सटीला है बहुत अच्छी दवाई, ये गर्द भी खोल देगी और आंख का दर्द भी ठीक हो जाएगी। और दवाई आयोसेमस बहुत अच्छा यहाँ काम करती है, आयोसेमस आपके ब्लॉकेज उसकी वजह से भी आंख में दर्द होती। एक और दवाई थायोसिना वो भी ब्लैक कोच को बहुत अच्छा करते, फिर लेक्सिस बहुत अच्छा करती है ब्लैक कोच परसेंट या फिर मेडोरिन हो गया फिर दूजा है इस सारी ब्लॉकेज को खोलती है उसके साथ आपका दर्द। जब आपका कंप्लेन है अब जब अंदर से जब ब्लॉक होगी तो क्या होगा, पानी चल रहा है बस आँख से पेचल है पानी आँख से चल रहा है एक से चल रहा है हम जो क्या होगा देखो पानी चलेगा एक एलर्जी की वजह से चलेगा दूसरा ब्लॉक आप उसको कम करेंगे जवाब है दूसरा सब हल्के हल्के पड़ जाते हैं हल्के तो पड़ जाते हैं वो तो ऐसे पास में हल्के पड़ जाते हैं स्टेफिस एरिया में हल्के पड़ जाते हैं वैसे भी ये वीकनेस की निशान है ना स्टेफिस एरिया बहुत कुछ हो गया इस सर्कल में ऐसे पास बहुत कुछ हमने सर्कल तो एरिया पार कर ये सारी जो कमजोरी की बात है असल में पेन पहला दिन था कि मैं ये एरिया आज निकल रहा मेरा नीचे चले जाते हैं कोशिश हम करते हैं कि छोटे छोटे टॉपिक से कान का हो गया आइस का हो गया दांतों का हो गया दिमाग का हो गया ट्रांसफर्स हो गए ये आज का ताकि हम नीचे ग्लैकोमा जो है बेसिकली उसकी वजह से 20 आउट में अंदर दाग हो सकते हैं ग्लैकोमा व्हाट इज द ग्लैकोमा व्हाट इज द कैटरेक्ट कोमा में फट जाए हम कहते हैं कैटरेक्ट है उसका ये होता है
वो भी जाकर दूसरा ग्रहण मान लेते हैं। अगर हमारे पास ऐसे ग्रहण हैं कि जो और दूसरा ग्लाइकोमा बिल्कुल डिफरेंट मेथोलॉजी, आपके जो आइस के अंदर ब्रेन चैनल्स होते हैं, पानी जो यूज होता है उसके बाद ब्रेन चैनल बंद हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं और आइस के अंदर प्रेशर डेवलप हो जाता है और उसकी वजह से नज़र भी हो जाएगी या उसके आँख में दर्द आ सकता है। उसकी दवाई बड़ी जो ज़्यादा है वो बस ठीक है, वो लेक्सिस है, ये चैनल्स को